हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहा है और मैं ड्यूटी पर अभी हूँ तैनात। अभी ड्यूटी मेरा जारी है और आज मेरा ड्यूटी ऑफिस में है, जो PWI ऑफिस रहता है वहीं पे वॉचमैन का ड्यूटी है। तो सोचा कि चलो भाई अपने फ्रेंड को कुछ बता देते हैं और दिखा भी देते हैं। और देखिए मेरे पीछे एक ट्रॉली है, मोटर ट्रॉली इसको बोलते हैं, इस पर साहब लोग पटरी का निरीक्षण करते हैं। इसी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है और कौन करते हैं इसका यूज और कौन नहीं करते हैं, इसी के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। चलिए दोस्तों, आज यही ट्रॉली के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि ये ट्रॉली कौन चलाते हैं और चलाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होती है, उसी के बारे में बताएंगे आप सबको। पहले दिखा देते हैं कि कैसा है। देखिए ऊपर छतरी लगा हुआ, छतरी जैसा है धूप के लिए, और आगे देखिए टेबल जैसा बना हुआ है, इसको पुश ट्रॉली बोलते हैं। इसमें मोटर पहले लगा हुआ था, मोटर ट्रॉली भी बोलते हैं, लेकिन इसमें अभी मोटर लगा हुआ नहीं है, धक्का देने वाला ट्रॉली है। और इधर देखिए ब्रेक लगाने वाला है, ये जो हैंडल जैसा है देखिए, देख सकते हैं, इससे इधर ब्रेक लगता है रोकने के लिए। पहले दिखा देते हैं, और इसका चक्का ये हुआ छोटा जैसा है। अब आगे देखिए बैठने वाला है, पीछे भी बैठने के लिए सामान उमान रखने के लिए, जो जो ट्रॉली मैन रहता है उन सब का भी सामान रहता है, ट्रॉली मैन का उनका सामान यही इसी पे साइड में रखा हुआ रहता है। अभी तो नहीं है, ये बाहर में रखा हुआ, इसीलिए हटा दिया गया है, सामान अंदर रूम में रखा होगा। और देखिए बैठने के लिए किस तरह से बना हुआ है, पहले दिखा देते हैं आप सबको। ऐसा वाला ट्रॉली दो तरह का रहता है, एक मोटर ट्रॉली रहता है और एक पुश ट्रॉली, जिसको आदमी धक्का दे के जाते हैं, देते हुए जाते हैं। और एक मोटर वाला ट्रॉली रहता है, मोटर चालू होता है फिर अपने आप धक्का उक्का नहीं देना पड़ता, वो अपने आप चलता है। इसमें देखिए मोटर नहीं लगा हुआ है, इसमें धक्का देना पड़ता है। और देखिए मुट्ठी जैसा इधर और उधर पकड़ने के लिए बना हुआ है, हटाने के लिए, ट्रैक से हटा के रखने के लिए ये सब बना हुआ है। और ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर में जो कपड़ा जैसा है, ये देखिए कपड़ा है, उसके ऊपर देखिए ये निकला हुआ है, इसमें दो लाल झंडी लगता है दोनों साइड में, अभी लगा नहीं है लेकिन झंडी, लाल झंडी लगा हुआ रहता है गाड़ी से बचाव के लिए। मोटर ट्रॉली हो गया चाहे पुश ट्रॉली हो गया, ये सब ट्रॉली चलाने का अनुमति जो JEE से ऊपर जितने भी साहब हैं, JEE हो गए चाहे PWI हो गए चाहे SSE हो गए, जिनको सीनियर सेक्शन इंजीनियर बोलते हैं वो हो गए, और AN हो गए चाहे DN हो गए, वो उनको ये सब ट्रॉली चलाने का अनुमति मिलता है। और बाकी जो JEE से नीचे हो गया, मुकदम चाहे ट्रैकमैन गैंगमैन जिनको बोलते हैं, वो सब नहीं चला सकते हैं, जो जितने भी साहब हैं वही सब चला सकते हैं। और वो चलाते नहीं हैं, मैं बताता हूँ, उनके साथ 4-5 ट्रॉली मैन रहता है, वही ट्रॉली को लेके जाता है, चाहे लेके आता है चाहे ट्रैक पे रखता है, हटाता है रखता है, यह सब ट्रॉली मैन का काम रहता है। जो भी साहब जाते हैं ट्रॉली पर तो उनके साथ 4-5 ट्रॉली मैन रहता है हटाने ले जाने के लिए। और इस पे कुछ सामान भी रहता है, ट्रॉली मैन का कुछ सामान रहता है, जैसे तान हो गया, घन हो गया, और भी झंडी उंडी रहता है, बहुत सारा सामान रहता है,
ये सब ट्रॉली मैन का काम रहता है, जो ट्रॉली मैन रहता है चार पांच उसका काम रहता है। और जिस जो साहब रहते हैं इस पर बैठ के जाते हैं, उनका काम है कि कहीं वो ट्रैक का निरीक्षण करने का है, चाहे कुछ भी दूर जाना है, चाहे दूसरा सेक्शन में जाना है, यहाँ से जैसे चार पाँच किलोमीटर दूर जाना है और गाड़ी जाने का कोई साधन नहीं है, तो ट्रैक के द्वारा ही जाते हैं, इस ट्रॉली के द्वारा। जो ट्रॉली के बारे में मैं बता रहा हूँ, यही सब ट्रॉली के द्वारा जाते हैं। और ट्रैक में कहीं कुछ फॉल्ट रहा, चाहे चेक उक करने का रहा, तो इसी के यही सब ट्रॉली के द्वारा निरीक्षण चाहे कुछ भी करते हैं, यही सब ट्रॉली के। ये सब ट्रॉली चलाने के लिए दोस्तों ब्लॉक लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी ट्रैक पे जाना है चार पाँच किलोमीटर चाहे कितना भी दूरी जाना है, तो ब्लॉक लेना पड़ता है। जो स्टेशन मास्टर रहते हैं उनसे पूछना पड़ता है कि इस ट्रैक पे गाड़ी है कि नहीं है, कितने देर के बाद है, ये सब पूछना पड़ता है। वो साहब पूछते हैं, जो ट्रॉली मैन हैं उन सबको पूछना नहीं रहता है। वो साहब स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि गाड़ी है कि नहीं है, कितने देर के बाद है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, यह सब पूछने की जिम्मेवारी साहब लोगों का रहता है, जो साहब रहते हैं उनका रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताया दोस्तों कि पुश ट्रॉली या मोटर ट्रॉली किसको बोलते हैं और कौन कौन इसको चलाते हैं और किसके अंडर में रहता है, कहाँ कहाँ पर रहता है, यह सब मैं आप सबको बताया दोस्तों। एक तो यहाँ पे PWI ऑफिस में रहता है, ये जो ट्रॉली दिखाया मैं आप सबको, पुश ट्रॉली चाहे मोटर ट्रॉली दोनों रहता है, कोई सा भी दोनों में से कोई एक रहता है। ये पुश ट्रॉली था, मोटर ट्रॉली नहीं था, पुश ट्रॉली था। और एक PWI ऑफिस में रहता है, एक SSCE जो जिनको सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिनको बोलते हैं वहाँ पर रहता है बड़ा ऑफिस में। और एक AN साहब के पास रहता है, DN साहब के पास रहता है, जितने भी साहब हैं JEE से ऊपर जितने भी साहब हैं सभी ऑफिस में रहता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, क्योंकि इधर अंधेरा भी ज़्यादा हो गया है, इधर अभी ऑफिस के अंदर हैं इसीलिए थोड़ा लाइट जल रहा है तो साफ आ रहा है, बाहर में पूरा अंधेरा हो गया है। और आज मेरा ड्यूटी दोस्तों डे और नाइट दोनों करना है, डे में तो कर लिया दिन भर, सुबह 7 बजे आया था और अभी 7 बज रहा है, 12 घंटा हो गया, और नाइट भी करना है। फ़ोन करके बोला कि आज नाइट भी कर लो, तो आज नाइट भी करना है, फिर कल सुबह 7 बजे छुट्टी होगा। तो आज डे नाइट दोनों ड्यूटी है मेरा। तो जो ट्रॉली के बारे में था उसके बारे में मैं आप सबको बताया। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय दोस्तों और जय हिंद। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।